दाल थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के वो बना दिए, क्योंकि शौर्य भी है और ईवी भी है, तो इन लोगों का हो जाए। या राजीव भैया और बच्चे, मोस्ट ऑफ यू नो देम एज द सांगवान फैमिली। क्या? हेलो हेलो गाइस, सॉरी, बनाना खाना, बनाना बनाना कैसे खाना है? पानी पीना, बताओ कैसे खाओगे? पानी पीना, थोड़ा पानी दो, इसको पानी पिला दो, क्या पता इसके बाल बाल। और शाम की चाय के साथ कर रही हूँ मैं यहाँ पे गाजर का हल। कंफर्टेबल हो रखा है, सही है, उसका मन लग रहा है, थक जाएगा वो, अब अच्छे से सोएगा। और चलते चलते फैमिली फोटो आ जाओ भाई, सब एडजस्ट हो जाओ। हाई एवरी वन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल एंड वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इट इज अनदर वीकेंड और वही आप, वही मैं और वही मेरी वीडियो, यूजुअल रूटीन वाली। आज एक गेस्ट मेन्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड आने वाली है सोनिया, राजीव भैया और बच्चे, मोस्ट ऑफ यू नो देम एज दी सांगवान फैमिली। तो वो टाइम से ही आ जाएंगे, तो मुझे हल्का फुल्का सा नाश्ता और लंच की तैयारी करनी है। पीछे कुछ तैयारी आपको दिख भी रही होगी, तो वन बाय वन करके मैं दिखा देती हूँ। सुबह उठ के मैंने सब तैयार कर लिया है, बस जो मेन कुकिंग है अब वो बाकी है, वो शुरू करने वाली थी। देन आई थॉट कि चलो ब्लॉग शुरू करती हूँ, कटिंग चॉपिंग तो क्या ही दिखाऊँ। तो यस, आई होप यू गोना इन्जॉय टूडेज वीडियो और फटाफट तैयारी दिखाती हूँ। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये तैयारी जो मैंने रात को करी थी आपने लास्ट वीडियो में देखी है, ब्राउनी मैंने बनाई थी और मीठे में मैं ये सर्व करने वाली हूँ आइसक्रीम के साथ। इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेंगे। तो ये यहाँ पे रखी, और बनाने के बाद ये मैंने फ्रिज में नहीं रखी है। फ्रिज में रख के कई बार ना थोड़ी सी टाइट हो जाती है, बटर रहता है ना, तो इसको मैंने बाहर ही रख छोड़ा था इस तरीके से। और यहाँ पे आपको इडली स्टैंड दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने इडली भी बनाई है। यहाँ पे मैंने जैक फ्रूट वॉश करके रख दिया है, जैक फ्रूट करी बनाऊंगी। इधर जो है वो सोया चाप मैंने निकाल के वॉश करके रख दिए, इनको बस अभी मैरिनेट करूंगी। यहाँ पे प्याज तीन जगह है, तीन स्टाइल की, तीनों सब्जियों के हिसाब की। ये लंबी लंबी कटी हुई, ये रफली चॉप है, और यहाँ पे जो है ये फाइनली चॉप चॉपर में कर ली है। टमाटर की प्योरे बना ली है हरी मिर्ची के साथ, और यहाँ पे मैंने दही निकाल के बाहर रखी है। कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ, और बेसन भी मैंने निकाल दिया है। और सुबह उठ के मैंने इडली बना दी है, जब वो लोग आएंगे ना तो चाय के साथ वो हल्का सा नाश्ता, तो मैं फ्राइड इडली कर दूंगी। और क्योंकि सारी चीज़ें मसालेदार रहेंगी, तो मैंने थोड़ी सी ना दाल, थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के वो बना दी है, क्योंकि शौर्य भी है और ईवी भी है, तो इन लोगों का हो जाएगा। तो यस, ये सब कुछ मैंने तैयारी करी है, अब कुकिंग करनी शुरू करते हैं। और कढ़ी पकौड़ा मैं इसलिए बना रही हूँ, जब हम सोनिया के यहाँ गए थे तो उसने कढ़ी बनाई थी, लेकिन उनकी जो कढ़ी है वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की थी, उसका कलर भी लाइट था। एक तो उन्होंने प्रेशर कुकर में बनाई थी, आई डोंट नो कैसे बना लेते हैं प्रेशर कुकर में, आज मैं पूछूंगी उससे। तो हम ओपन पॉट में बहुत देर तक बनाते हैं, और थोड़ी उनकी पतली भी थी, तो मुझे ये लगा कि मैं भी उनको ऐसी कढ़ी खिलाऊं जैसी हम लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं कढ़ी पकौड़ा बना रही हूँ। और बाकी साथ में जो है वो राइस होगा, रोटी, और वैसे तो कढ़ी होती है तो कढ़ी के साथ दही वगैरह खाई नहीं जाती, लेकिन दही मैंने ऑलरेडी जमा दी है इनकेस दे वॉन्ट, तो मैं रायता या दही जो है वो दे दूंगी। बाकी सब्जियां तो रहेंगी, सैलड वगैरह, तो छुटपुट छुटपुट चीज़ें, चटनी वटनी, ये अचार, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। तो चलो मैं बस लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं, फटाफट कुकिंग का काम डन करती हूँ, और घर को भी थोड़ा सा ठीक करना है, अपने आप को भी थोड़ा सा ठीक करना है, ताकि प्रेजेंटेबल लगे। और यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सोया चाप को मैरिनेट करके रखेंगे। यहाँ पे टिन मिल जाता है इंडियन शॉप पे, ईस्ट एंड ब्रांड का, वही मैं ला के रखती हूँ। तो सोया चाप निकाल के स्टिक में से हटा के इसको मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था, और अब यहाँ पे इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कट कर रही हूँ।
सोया चाप आज हम व्हाइट ग्रेवी वाला बनाने वाले हैं। इसको अफगानी सोया चाप भी बोलते हैं। वैसे ये मेरे स्टाइल में है और आई होप आपको ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगेगी। कोई भी ट्रेडिशनल या फिर ऑथेंटिक ये रेसिपी नहीं है, क्योंकि हर घर में हर रेसिपी वहाँ के टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर ली जाती है। तो मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही डाला है रूम टेम्परेचर का, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया है। इसके बाद गरम मसाला हम इसमें डालेंगे और साथ ही मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करी है और ये है जिंजर सूंठ जिसको बोला जाता है, ड्राइड जिंजर पाउडर, थोड़ा सा ये मैंने ऐड करा है। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट इसमें पसंद आता है तो आप गार्लिक भी क्रश करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऑयल वगैरह कुछ भी इसमें ऐड हमें नहीं करना है, बस इसको मिक्स करके हम रख देंगे। ज़्यादा टाइम हो आपके पास तो इसको 1-2 घंटे के लिए रख दें, वैसे 30 मिनट्स के लिए भी ये सही रहता है और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो ये काम मैंने सबसे पहले किया है। इसके बाद अब हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि सारा ही खाना मैं बहुत ही कम ऑयल में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो 2 मैंने बिग साइज की अनियन ली थी जिनको मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया था। हैंडफुल कैश्यू डाले हैं 1 टेबलस्पून के करीब। मैंने इसमें खसखस डाली है, पॉपी सीड्स। 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 3 हरी इलायची ली हैं, 1 चम्मच काली मिर्च डाली है, 3-4 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी है और साथ ही यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें सौंफ डाल रही हूँ। और इसमें रेड चिली पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, तो इसीलिए जो भी तीखापन है वो हरी मिर्च और काली मिर्च से ही आएगा, तो वो आप उसी हिसाब से ऐड करें। अब बस हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। एक ही विसल में जो मसाला है ये बहुत अच्छे से डन हो जाता है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला था, आपने देखा ही होगा। तो ये 2 चीजें जो है वो काइंड ऑफ हमारी प्रेप हो गई हैं अफगानी सोया चाप के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे कढ़ी पकौड़े की पकौड़ियाँ बनाने के लिए। बहुत ही बेसिक सी बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ, इसमें आलू या प्याज कुछ भी शामिल नहीं कर रही हूँ। तो बेसन लिया है मैंने अंदाजे से 1 कप, इसमें धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर गुठलियाँ पड़ जाती हैं और उनको ख़त्म करने में फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा पानी डाल के एक थिक सा पेस्ट बना लें, उसके बाद कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट कर लें। फाइनल कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैं आपको दिखा ही दूंगी कि कैसा हमारा पकौड़ों का घोल होना चाहिए। और इसको आप 5-6 मिनट के लिए रख छोड़ें ताकि जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। अब कढ़ी के लिए घोल बना लेते हैं। तो मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, 1/2 कप के करीब होगा, और इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैं बेसन डालूंगी। मैं कढ़ी में बेसन कम डालती हूँ, दही ज़्यादा डालती हूँ और उसको बहुत देर तक पकाती हूँ, तो कढ़ी में बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पे बेसन को थोड़ा सा मैंने घोल लिया है और अब ये जो ब्लेंडर जार है हमारा, इसको हम रन कर देंगे और बिल्कुल स्मूथ सा इसका हम बैटर बना लेंगे। वैसे तो आप हाथ से भी इसको घोल ही सकते हैं, बस इस तरह से जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाती है और गुठली पड़ने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। उधर चूल्हे पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो ऑयल गर्म होने लग रहा है। तो यहाँ पे चम्मच से जो है वो थोड़ा थोड़ा बैटर में कढ़ाई में डालती जा रही हूँ और इससे हम पकौड़ी बना लेंगे। कुछ लोग तो बहुत ही तरीके से बिल्कुल गोल गोल पकौड़ी बनाते हैं, बट अगर बैटर आपका अच्छे से आपने फेंट लिया हो, उसको थोड़ा सा रेस्ट करा लिया हो, तो पकौड़ी जो है वो फूली फूली बन ही जाती है। हाँ, शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन कढ़ी में जाके सब एडजस्ट हो ही जाता है। बस इनकी जो थोड़ी बहुत पूंछ निकली हुई होती है वो आप हटा दें तो ऑलमोस्ट ये फूलने के बाद गोल गोल सी ही लगती हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इन पकौड़ियों को अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। और जितना बैटर मैंने बनाया था एक बैच में ही ये पकौड़ियाँ हमारी सारी फ्राई हो गई हैं और 5 से 7 मिनट इसको लगा है।
तो पकौड़ियाँ होने लग रही थी, इधर जो दही का कंटेनर मैंने बाहर ही निकाल के रखा हुआ था तो अच्छा से ये खट्टा हो ही गया था, तो वो मैंने सारा का सारा ऐड कर दिया है अपनी जो हमने ये बेसन वाला जो मिक्सचर बनाया था ना पानी के साथ, उसमें डाल के, और पूरा नहीं आ पाया था कंटेनर क्योंकि जार की भी कैपेसिटी ही है, और बस इसको हमें थोड़ा सा ही चर्न करना है, बहुत ज्यादा इसको नहीं चलाना है, नहीं तो जो हमारी दही होती है ना उससे फिर मक्खन निकल आता है। तो जितनी जार की कैपेसिटी थी उतनी मैंने दही डाली, बाकी जो है वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी मिला के, तो हमारा जो कढ़ी का जो घोल है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे पकौड़ियां हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, इनको बहुत ज्यादा डार्क ना करें अदरवाइज बिल्कुल टाइट टाइट सी हो जाएंगी, और फिर कढ़ी के अंदर ना वो घुली घुली सी पकौड़ी जो होती है ना वो ही अच्छी लगती है। तो चलिए काइंड ऑफ हमारी प्रेप जो होती है हर डिश की वो हो गई है, अब फटाफट हम कुकिंग वाले प्रोसेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वो सब्जी बना रही हूँ जो क्विकली तैयार हो जाएगी और एक माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो एक चीज तैयार हो गई। तो यहाँ पे मैं कटहल मसाला बना रही हूँ, तो मैंने इसके लिए अपना ये ग्रेनाइट वाला वॉक लिया है, इसमें फास्ट कुकिंग होती है और इसमें रोस्टेड फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, काफी हैवी रहती है ये और अच्छी रहती है कुकिंग के लिए। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने जीरा डाला है और लंबी लंबी कटी हुई प्याज शामिल करी है, इसको थोड़ा सा ही हम भूनेंगे, बहुत ज्यादा डार्क हमें नहीं करना है। बेसिक मसाले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसालों को हल्का सा हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे और उसके बाद जो टमाटर की प्योरे हमने बना के रखी थी हरी मिर्च के साथ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही बेसिक सी ये सब्जी है, और इसको आप चाहें ना तो वो ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, बस आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें, बट क्योंकि जो अफगानी सोया चाप है और फिर कढ़ी है दोनों ही ग्रेवी वाले हैं तो इसको मैं सूखा बना रही हूँ तो एक सूखी सब्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, इससे जो हमारे टमाटर हैं जल्दी ही गल जाते हैं और मसाला फटाफट भुन जाता है। तो ऑलमोस्ट मसाला हमारा यहाँ पे भुन गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। अब मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए ऐड करा है किचन किंग मसाला, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, सब्जी मसाला हो तो वो डालें, या फिर जिस मसाले का फ्लेवर आपको बहुत पसंद है आप वो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो ये कटहल था ये ऑलरेडी चॉप्ड ही आता है, फ्रोजन मिलता है यहाँ पे, फ्रेश जो है मैंने आज तक नहीं देखा, और फिर फ्रेश लेकर भी आए तो उसको काटने का थोड़ा मसला ही रहता है, हाथों पे चिपकता है, बहुत सारा ऑयल लगाना पड़ता है चाकू पे भी और हाथ पे भी, बट ये इस तरह से चॉप्ड मिल जाता है और इजिली अवेलेबल है यहाँ पे इंडियन शॉप में, तो मैं यही ला के पैकेट फ्रीजर में रखती हूँ। तो बस ये मैंने एक बार वॉश कर लिया था अच्छे से और इसको मैंने शामिल कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये बिल्कुल ही ज्यादा ड्राई ना हो जाए, हालांकि जब तक सर्व किया था तब तक ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और चूल्हा मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े चूल्हे की जो है वो फिलहाल जरूरत है, और बड़े बड़े पैन है तो वो एक साथ फिर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन चढ़ाया, ये भी ग्रेनाइट का ही है, और इसमें जो है अब हम अफगानी सोया चाप बनाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के धनिया पाउडर डाला है और गार्लिक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो मैंने ऐड करे हैं, क्योंकि फ्रेश वाला जो गार्लिक है वो मेरे पास नहीं था, जिंजर गार्लिक की क्यूब्स थी लेकिन जिंजर ऑलरेडी हम मैरिनेशन में ऐड कर चुके हैं तो इसीलिए मुझे और जिंजर नहीं डालना था, तो इसीलिए मैंने ड्राइड पाउडर लिया है, आपके पास फ्रेश हो तो क्रश करके वो आप मसाले में डालें। इसके बाद मैरिनेटेड जो चाप थे हमारे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं जो मसाला हमने बनाया था प्रेशर कुक करके इसको हम फाइनली ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सोया चाप है ना वो हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया इनके ऊपर रंग आ गया है। अब जो ये मसाला था ये मैंने हैंड ब्लेंडर से ही पीस लिया था और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है क्योंकि मुझे हल्का सा ग्रेनी टेक्सचर चाहिए था, अगर आपको बिल्कुल स्मूथ वाली ग्रेवी चाहिए तो आप फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसें तो ये बिल्कुल ही ज्यादा फाइन हो जाएगा। इस मसाले को कुछ बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें इसमें पकी हुई हैं, पर उसको थोड़ा सा खुला पका लेते हैं और इधर जो कटहल है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो कटहल जो है हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से डन हो गया है।
वापस आ जाते हैं सोया चाप की तरफ। तो मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया, 2-3 मिनट मैंने इसको इस तरह से पकाया है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, तो वही प्रेशर कुकर में थोड़ा मसाला लगा हुआ था उसमें ही पानी डाल के वो मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करा है। वैसे तो इसमें जो है अब वो बेसिकली क्रीम डालनी चाहिए थी, या फिर आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, बट जो हमारे गेस्ट हैं वो क्रीम बेस्ड चीजें कम ही खाते हैं। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो मैंने हर चीज में जो लाइक दाल मखनी शाही पनीर ये सब बनाया था सब में ही क्रीम डली थी, एंड देवर लाइक के खाना बहुत ही ज्यादा रिच हो गया है, इतना ज्यादा क्रीम व्रीम हम खाते नहीं है। तो इस बार मैंने सोच समझ के, यू नो जब मिलते रहते हैं तो फिर लाइक्स डिसलाइक्स पता लग जाते हैं और उसी हिसाब से आप कुकिंग करते हैं, तो मैंने चीजें बिल्कुल भी गरिष्ठ नहीं बनाई है, उनको बिल्कुल ही लाइट रखने की कोशिश करी है। तो बस पानी डाल के उसको सिम फ्लेम पे 2-4 मिनट हम पकाएंगे और हमारे जो सोया चाप है वो डन हो जाएंगे। इधर अब हम कढ़ी पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये पैन चढ़ाया, अगेन ये भी ग्रेनाइट वाला ही है, पूरा ही कलेक्शन आज आपको ग्रेनाइट वाला देखने को मिला है। तो ऑयल डाला है, उसमें सूखी जो है वो लाल मिर्च ऐड करी है, साथ ही थोड़ा सा हींग डाला है, मेथी दाना ऐड करा है, थोड़ा सा जीरा, और फाइनली चॉप की हुई मैंने इसमें अनियन शामिल कर दी है। इसको अब हम यहाँ पे भून लेंगे, लेकिन अनियंस को हम बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो कढ़ी का जो रंग है वो अच्छा नहीं आता है। तो हल्की सी ही ये ब्राउन हो उसके बाद आप इसमें सूखे मसाले जो होते हैं वो ऐड कर दें। कुछ लोग जब बेसन का घोल बनाते हैं ना तो उसमें हल्दी वगैरह डाल लेते हैं, तो आप चाहे तो वैसे कर लें, पर मुझे ये इजी भी लगता है और आई फील कि इससे रंग ज्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर मैंने डाला है, और साथ ही एक जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले हमारे जले ना, और जो हमारी ये फ्रोजन क्यूब है ये भी जल्दी से गल जाए। यहाँ पे आप फ्रेश जिंजर गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। सोया चाप एक बार चेक कर लेते हैं, तो जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी ये परफेक्ट है, और अगर सर्व करते टाइम आपको लगे कि ये थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिला सकते हैं। तो दूसरी सब्जी भी हमारी यहाँ पे डन हो गई है। कड़ी पकौड़े की तरफ आ जाते हैं, तो जो हमारा जिंजर गार्लिक था वो अच्छे से हो गया है, मसाला बहुत बढ़िया भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो दही बेसन वाला हमारा मिक्स है पानी वाला, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। माप यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन तो मैंने बताया ही था, 500 ग्राम्स जो है वो हमारी दही थी, और लगभग इसमें मैंने 4 कप के करीब पानी ऐड करा है। और जो कप मैं बोलती हूँ दैट इज मेजरिंग कप, आई थिंक 250 ml की उसकी कैपेसिटी होती है। तो वही बेसन कम डालती हूँ, दही और पानी ज्यादा रहता है, और बहुत देर तक मैं इसको बॉयल करती रहती हूँ तो कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, और कढ़ी में स्वाद तभी आता है तब वो बहुत देर तक कढ़ती रहती है। तो यहाँ पे जो कढ़ी है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो रही थी, अब मैंने इसके अंदर गर्म पानी और ऐड करा है क्योंकि मुझे अब इसको और बॉयल करना है, अदरवाइज ये फिर बहुत ज्यादा थिक हो जाती। और बॉयल आने के बाद ही हमें इसमें सॉल्ट शामिल करना है, कई बार पहले डालने से ना ये जो हमारी कढ़ी होती है वो फट जाती है, नॉट एवरी टाइम बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पहले आप सॉल्ट डाल दें तो फटने के चांसेस रहते हैं। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और यहाँ पे देखिए जो कढ़ी है हमारी, बस अब 5-10 मिनट और पकाना है इसको और ये हमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। पैन से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि शुरुआत में ये कितनी थी और फिलहाल ये कढ़ कढ़ के कितनी हो चुकी है, क्योंकि वो निशान रह ही जाते हैं, तो इतनी हमारी कढ़ी जो है वो कढ़ चुकी है। अब मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, और मैंने गलती ही करी, मुझे ये था कि गेस्ट जो है वो हमारे जल्दी ही आएंगे, क्योंकि तय यही हुआ था कि वो 9:15 तक घर से निकल जाएंगे, तो यही था कि 11 बजे तक घर आ जाएंगे, लेकिन उनको निकलते निकलते लेट हो गया, तो वो लोग 11 बजे जो है वहां से ही निकल पाए हैं, और फिर उनको रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी मिला था, तो पकौड़े जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे, मुझे बाद में डालने थे, बट वही है कि पता नहीं था, मैंने तो अपनी तरफ से तैयारी टाइम के हिसाब से कर ही दी थी। तो खैर सब्जियां जो है वो हमारी सारी तैयार हो गई हैं, चावल मैंने भी गो दिया है, उधर इडली और हमारी दाल भी रखी हुई है जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, और ब्रेकफास्ट तो फिर हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे अदबी जो है वो पूछ रही थी कि वो किस टाइम आ रहे हैं, तो आते आते उनको 2:30 हो गया था, और
फिर जब वो आए भी हैं तो फिर आते ही एकदम से लंच नहीं किया, पहले चाय बनाई है, थोड़ा सा थकान हो जाती है ना ट्रैवलिंग करके, और बच्चे जो हैं वो भी परेशान करने लगते हैं जब गाड़ी में इतनी देर बैठे रहो। शेफील्ड में मौसम खुला हुआ था लेकिन उनको रास्ते में बारिश मिली है, तो सारी चीजें जो है वो अच्छे से सेट हो गई है, क्रॉकरी वगैरह सब मैंने निकाल दी है, सब कुछ क्लीन हो गया है, और डाइनिंग टेबल की जो चेयर है वो उनके आने के थोड़ी देर पहले ही सीधी करी थी क्योंकि ईवी जो है ना वो परेशान कर देती है। तो चाय वाय का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यहाँ पे खाना जो है वो सर्व कर दिया है, क्या क्या बनाया है वो तो आपने देखा ही है, बस राइस मैंने बना दिए थे, सैलेड है, फुलके जो है वो बनाए हैं, और साथ में मैंने घी शक्कर रखा है, भी बहुत जाट फैमिली और घी शक्कर जो है वो हमारा मस्ट होता है मेहमानों के आगे सर्व करने का। हम भी कुछ रिकॉर्ड कर लें, हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते है ना भाई। हाँ, यू वेटिंग फॉर योर फूड, अभी लेके आ रहे हैं, उधर सब खाना खाने लग रहे हैं। क्या हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? मैंने इंडिया में बहुत ही कम खाया। चलो तो खा के देखो और बताओ कि कैसा बना है। ये क्या है, कौन सा? ये सोया चाप है, चटनी, ये कढ़ी पकौड़ा है, वो हरी धनिया की चटनी है। तो खाना खाया हमने आराम से, खूब सारे गप्पे मारे, और हमेशा की तरह वही होता है कि मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई फील के बस बैठ के बात कर लो, टाइम ही इतना कम होता है, कहाँ ये था कि पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे, और आते आते फिर लेट हो ही गया। हालांकि फिर 7:30 बजे के करीब ही निकले हैं सोनिया और, बट स्टिल वो कम टाइम रहता ही, उस बीच में खाना पीना भी था, चाय नाश्ता भी था, और बच्चे जो हैं वो तो हुड़दंग मचाते ही मचाते हैं। तो खाने के फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी किचन वगैरह समेट के मैंने मीठा सर्व किया, ब्राउनी आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने बनाई थी, तो फ्राइडे को मैंने ब्राउनी बनाई थी, सैटरडे को ये लोग आए थे, तो ब्राउनी को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में वार्म कर लिया था, और उसके ऊपर मैंने ये आइसक्रीम डाल के सर्व किया था, सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और खाने में ये हो गया कि कटहल जो है वो भैया का फेवरेट निकला, मुझे पता ही नहीं था, पहले मैं मिक्स वेज बनाने वाली थी, बट फिर लगा कि चलो कटहल बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उनको उनकी मनपसंद चीज मिल गई, एंड उनको यूके में जो है वो कटहल मिला ही नहीं, कभी उन्होंने खाया ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो उनकी मनपसंद की एक चीज हो गई। और बस यहाँ पे जो है हमारे गप्पे शप्पे पूरे चल ही रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने चाय बना दी थी, और जो इडली मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रखी थी उसको मैंने अब शाम की चाय में थोड़ा सा फ्राई कर दिया था, और शाम की चाय के साथ कर रही हूँ मैं यहाँ पे गाजर का हलवा। ये फ्राइड इडली वाली कढ़ाई है, खाली है, कुछ मैंने फ्राई करके उधर कर दिए डाइनिंग टेबल पे। चाय भी ऑलरेडी मैं ही ले गई हूँ, पहले जो है वो चाय पी लो, चाय और इडली, उसके बाद फिर हलवा, नहीं तो हलवा पहले खा लिया तो फिर चाय फिक्की लगेगी, है ना भैया? जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे ही कर लूंगा। चलो देखो कितना मानने वाले हैं, और यहाँ देखो ये बच्चों की मस्ती, इधर ये दोनों टीचिंग है। ओ माय गॉड, बॉसी बन रही है पूरी बड़ी बहन, और इन दोनों का अलग ही खेल चल रहा है इधर। दोनों कैसे फिट हो गए, रुक जाओ मैं बिठा रही हूँ, रुक जाओ। दोपहर में जब तक सोनिया और आए थे तब तक ईवी सो गई थी, और खाने वाने का सारा काम हो गया था, उसके बाद फिर ईवी जगी थी, और फिर ईवी और शौर्य क्या इन्होंने उधम मचाया, एंड शौर्य वाज सो कंफर्टेबल। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जो हैं वो अच्छे से खेलते हैं, परेशान नहीं करते, नहीं तो कई बार होता है ना कि जगह बदल के बच्चे खेलते नहीं है, परेशान करते हैं, पर दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे, और ये शिका अद्वी इनकी भी खूब पट रही थी, और हमारे खूब गप्पे हुए, बीच में काइंड ऑफ एक ब्रेक भी हुआ कि दोनों छोटे बच्चे एक जगह खेल रहे हैं, मैं और सोनिया सोफे पे बैठ के अपने गप्पे मार रहे थे, विकास और राजीव भैया ये लोग एटिक में चले गए थे क्योंकि इनकी अलग ये टॉपिक होते हैं, और अद्वी और यशिका ये लोग अद्वी के रूम में थे, वहां पे अपनी ड्रॉइंग और पता नहीं क्या क्या इनकी बातें हो रही थी। सो वॉट एवर, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बस यही लगा कि थोड़ा सा टाइम कम था, और थोड़ी देर के लिए आते तो और बातें हो जाती,
और ज्यादा मन लग जाता, तो बस हंसते गाते कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं लगा। और यहाँ पे सोनिया राजीव भैया अब जाने की तैयारी में, सब यही लिखते हैं, दीपिका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंड आई एम लाइक भाई बातूनी इतने बड़े हैं कि इतने बिजी हो जाते हैं बात करने में कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं। क्या हुआ? बाय बाय, सबको बाय कर दो। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते कर दो। चलो बहुत अच्छा लगा भाई, और आपकी शिकायत जो भी थी नहीं, वो उसको ये टेंशन चाहिए कि ऐसे कैसे बात कर ली, मेरे साथ ही बात करो, है ना भाई। बाय बाय, अब उसे पूरा हो रहा है कि बस बाहर ही चलो अब तो। अब आपको आना ठीक है, जल्दी जल्दी, एक साल वाला नहीं कि हम, मतलब वो है कि ईयरली ट्रिप, ईयरली मिल रहे हैं, एनुअल मीटिंग हो रही है हमारी, समर में आएंगे, समर में। और चलते चलते फैमिली फोटो, आज भी सब एडजस्ट हो जाओ, सब एडजस्ट हो जाओ, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल, और प्लीज आप सब कमेंट करके बताना कि ये जल्दी जल्दी आया करें, ये कहते हैं कि हम आएंगे और फिर आते नहीं, और अपनी एनुअल मीटिंग अपना नहीं बताओगे? हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हाँ, पक्का इस बार जल्दी मिलेंगे। हाँ जल्दी मिलेंगे।